दुनिया की सबसे चौंका देने वाली जगह। दोस्तों, कहने को तो हमारी पृथ्वी पर 7 अजूबे हैं, लेकिन हम आपको बता दें, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। क्योंकि अगर अजूबों की बात की जाए तो हम आपको ऐसे ऐसे अजूबे दिखा देंगे जिन्हें शायद ही किसी ने देखा हो। अब जैसे कि आज की वीडियो में दिखाई जाने वाली इन जगहों को ही ले लीजिए। ये कुछ ऐसी जगह है जो इतनी ज्यादा अनोखी है कि इनके बारे में साइंटिस्ट भी अभी तक ढंग से पता नहीं कर पाए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप दुनिया की ऐसी जगहों को देखने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से चौंका कर रख देगी। बस अगर आपको इन जगहों में से एक भी जगह अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। कैनो क्राइस्टल्स। दोस्तों, आप लोगों ने तरह तरह की नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी 5 रंगों में बहने वाली नदी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो ये जान लीजिए, कोलंबिया के कैनो क्राइस्टल्स में एक लोती नदी पाई जाती है जो 1-2 नहीं बल्कि 5 रंगों में बहती है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि ये नदी 5 रंगों में बहकर कितनी ज्यादा शानदार लगती है, और इसी नदी को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग चले आते हैं ताकि वो इस शानदार नदी को एक ना एक बार अपनी आंखों से जरूर देख सकें। दोस्तों, असल में इस नदी के अंदर 5 अलग अलग रंग की काई जमी होती है, जिस वजह से ऊपर से देखने पर यह नदी कुछ इस तरह दिखाई देती है। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि दिसंबर से लेकर अगस्त के महीने तक ये 5 काई अलग अलग रंग में होती है, लेकिन सितंबर आते ही सब अपना रंग बदल लेती है। तब हमें ये सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, जिससे चाहकर भी हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते, कुछ ना हो। लेकिन इससे एक बात तो पक्की है कि प्रकृति से बड़ा कलाकार कोई नहीं हो सकता। हवकार्ड लोअर वैली। दोस्तों, पानी के फवारे से आती हुई पानी की बूंदें जितनी शानदार दिखने में लगती है, उतनी ही शानदार उनकी आवाज़ भी होती है, जिसे देखने के लिए लोग अक्सर पानी के फव्वारे बनाकर उसका आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम मनुष्य ही पानी का फव्वारा नहीं बना सकते, बल्कि प्रकृति भी इतनी ताकत रखती है कि वो खुद से पानी का फव्वारा बना सके। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति द्वारा बनाए गए पानी के फव्वारे, जिन्हें हम आम भाषा में गीजर भी कहते हैं, जो दिखने में हम मनुष्य द्वारा बनाए गए फव्वारे से भी ज़्यादा शानदार लगते हैं। और इस दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फव्वारा आइसलैंड के हवकार्ड लोअर वैली में स्थित है। और दोस्तों, जब इस जगह से पानी निकलना शुरू होता है तो शायद आपको विश्वास ही ना हो कि वो पानी 70 मीटर की ऊंचाई तक चल जाता है। और तो और, जब ये शांत होता है तो इसके ऊपर एक बड़ा सा पानी का गुब्बारा दिखाई देता है, जिसका रंग नीला होता है। और अगर इस फव्वारे की उछाल मारने की बात की जाए तो आमतौर पर यह फव्वारा हर 10 मिनट पर पानी की उछाल मारता है। और अब आप खुद ही समझ जाइए कि हर 10 मिनट में इस जगह के पानी को 70 मीटर तक ऊपर भेजने के लिए प्रकृति अपने अंदर कितना जोर लगाती है। दरवाजा क्रेटस। दोस्तों, सन 1971 में तुर्कमेनिस्तान के एक रेगिस्तान इलाके में लोगों को एक छोटी सी आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी, जिसे देख वहां के मौजूद लोग सभी दंग रह गए और सबने सोचा कि क्यों ना देखा जाए इस जगह पर क्या है, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने यहाँ पर खुदाई करना शुरू की। तभी उस जगह का एक बड़ा सा हिस्सा अपने आप ही खिसक गया। और उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ काम कर रही मशीनें भी इस गड्ढे में समा गई, और तब से लेकर अब तक ये गड्ढा निरंतर बिना रुके जल रहा है। दोस्तों, इस गड्ढे को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता है कि बिना किसी वजह के इस जगह पर आग का गड्ढा कैसे बन सकता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इस गड्ढे को यहाँ के लोग नरक का दरवाजा भी कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, ये जगह जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमय है, क्योंकि अभी तक किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है कि यह गड्ढा यहाँ पर क्यों आया और क्यों निरंतर जले जा रहा है। द डेविल्स कैटल्स। दोस्तों, ये जगह अमेरिका की मिनेसोटा राज्य में है। ये मौजूद लेक सुपीरियर के उत्तरी किनारे के पास एक अजीब झरना है। जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 झरने हैं जो एक चट्टान की वजह से एक दूसरे से अलग है। इनमें से एक झरने का पानी तो सीधा नीचे गिरकर नदी में मिल रहा है, लेकिन दूसरे झरने का पानी
एक गड्ढे में जाते हुए गायब हो जाता है। जी हाँ, ये पानी नीचे तो गिर रहा है, लेकिन उसके ये बाद ये गिरकर कहाँ जाता है, इसका अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। इसको पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सर पीटा, लेकिन अभी तक उन्हें इस झरने से नीचे उतरते हुए पानी का कुछ पता नहीं चल पाया। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इस गायब होते हुए झरने के पानी में रंग बिरंगी बॉल और स्याही भी डाल दी, ताकि उससे ये पता चल जाए कि ये पानी आखिर जाता तो जाता कहाँ है। लेकिन पानी तो दूर की बात है, ना उन्हें बॉल का पता चला और ना ही स्याही का। रिंगिंग रॉक्स ऑफ पेनिसल्वेनिया। दोस्तों, अगर इस दुनिया में पत्थरों की बात की जाए तो आपको ऐसे बहुत से पत्थर मिल जाएंगे जो किसी को भी चौंका सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्थर भी इस दुनिया में मौजूद है जो आपको चौंकाने के साथ साथ आपको एक सुकून का भी एहसास दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। USA के पेंसिल्वेनिया राज्य में मौजूद ये पत्थर बिल्कुल ही मीठी आवाज़ की ध्वनि निकालते हैं। यहाँ आप आम पत्थरों पर मारेंगे तो उनकी आवाज़ आपके कानों में सुई की तरह चुभेगी, लेकिन पेंसिल्वेनिया में मौजूद इन पत्थरों पर आप कोई भी चीज़ मारेंगे तो इनसे एक प्यारा सा म्यूज़िक निकलता है। हालांकि पहले ये जगह इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन जब से इन पत्थरों के बारे में लोगों को पता चला है, तब से भारी मात्रा में लोग इन अनोखे पत्थरों को देखने आते हैं। हालांकि ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में तो अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस ज़्यादा रोमांचक लगी होगी। अगर हाँ, तो अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।